आइए अब हम लोग देखते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, जो हमारा तीसरा टाइप है। पहला टाइप हमने क्या देखा था, डेसिमल टू बाइनरी देखा था। दूसरा टाइप हमने क्या देखा था, बाइनरी टू डेसिमल देखा था। और तीसरा टाइप क्या देखेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। एकदम परेशान नहीं होना, सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमारा डेसिमल टू बाइनरी वाला था, सेम प्रोसेस वही रहेगा। एकदम परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा हमें एक बार ट्विस्ट करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए। डेसिमल का मतलब क्या होगा, इसका बेस 10 होगा, इसका बेस 8 होगा, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैं सीधे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, चूंकि हमने आपको बेसिक बातें बता रखी हैं और इसके बाद सीधे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पे करना है। ठीक है, कोई भी हमारा क्या होगा, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, और डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कोई बात नहीं, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, बड़ा छोटा सा नंबर मैं लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ, चलिए 220 ले लेता हूँ, 420 नहीं 220, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हमारा डेसिमल नंबर है, उसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब जिसकी बेस क्या होती है, जिसकी बेस 8 होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे ये हमारे पास नंबर था, इस नंबर को मुझे कैसे डिवाइड करना, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था जब किसी भी डेसिमल नंबर को, फिर से बता रहा हूँ, मैंने बाइनरी वाले में बताया था, जब किसी भी डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसी के पावर से, सॉरी उसकी जो बेस होगी उसी से आपको ये नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, उसी से आपको इसको डिवाइड करना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, 220 को डिवाइड करेंगे 8 से, 220 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब क्या है, हमारे पास ये 22 यहाँ पे दिख रहा है, तो 8 2 16 होता है, और 8 3 का क्या होता है, 24 होता है, लेकिन 24 तो अधिक हो गया, 22 हमारे पास है। तो यहाँ पे इसको कितने टाइम्स हम लोग ले जाएंगे, और टू मतलब यानी कि 20 टाइम्स, ये 0 0 हमने एज इट इज वो कर लिया। अब यहाँ पे सॉरी 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 ऐसे नहीं करते, तो ऐसे आराम से करते हैं, 8 2 16 हुआ, ठीक है, 2 टाइम्स गया, तो 16 में कितना बचा, 16 मतलब क्या हो गया, और हमारे पास क्या बचा, 17 18 19 20 21 22, मतलब 6 बचा हमारे पास, और यहाँ पे क्या था, 0 बचा। तो जब 6 और 0 बचा है, मतलब 60 हो गया, तो 8 5 6 8 6 48 होता है, 8 7 56, 8 7 56 होता है। तो जब 56 होता तो क्या बचेगा आपके पास, 4 रिमाइंडर बचेगा, 56 और 4 7 60 होता है। अरे भाई अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे करिए ना, हालांकि ऐसे आपको करना नहीं है, ये बचपन, ये वाला बचपन वाला काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। 8 2 16 हुआ, ठीक है, 16 और यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, 8 6 8 8 7 56 हुआ, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। वैसे आपको ये करना नहीं है, ये आपको इसको, क्योंकि ये क्या होता है, ये बच्चों वाला काम होता है, हम लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब फिर से 8 से करते हैं, 27 है, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो कितनी बार जाएगा, 8 3 के 24, और कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अब देखिए हमने क्या कहा था आपसे, लास्ट से ऊपर की तरफ चलना है, लास्ट से ऊपर की तरफ चलना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 4, और बेस कितना होगा इसका, 8 होगा। ये बात समझ में आ गई, ये हमारा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात आपको पूरी तरीके समझ में आना चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ वहाँ पे जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे तो 8 से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ में आई, और ये क्वेश्चन आसान था। अब थोड़ा सा मैं बड़ी डिजिट लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ी डिजिट लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं बड़ी डिजिट लूँगा, जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं ना, जो नंबर सिस्टम होता है सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है और सबसे इंटरेस्टिंग। चलिए लेते हैं 248 को, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या करते हैं, 248 को जिसका बेस 10 है, हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, जिसका बेस क्या होगा, 8 होगा, जिसका बेस क्या होगा, 8 होगा। 248 है ही है, तो 248 कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने बताया था आपसे कि 248 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, हमें किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और ऑक्टल का बेस कितना होता है, ये 8 होता है। ठीक है, तो देखते हैं, 248 है, ये तो बड़ा आसान हो गया हो, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तो ये तो 248 है, तो 248 में तो तुम्हें टेबल दिख रहा है, 8 का टेबल ही दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है, 8 3 जा 24, और 8 1 जा 8 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 31 है, तो 8 3 जा कितनी बार, 8 3 जा क्या होता है, 8 3 24, 8 3 के
आठ के आठ दिन, सोलह आठ तरीके 24 होता है। तो अब कितना हमारे पास, अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और ये हमारे पास चूंकि हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, जो हमारा जो यहाँ पे जो कोसेंट आ गया वो डिवाइडर से छोटा आ गया, तो ये हम इससे एज इट इज लिख लेंगे, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3 7 और 0 की बेस कितनी होगी, 8 होगी। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन, एकदम आराम से करना है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, एकदम हम लोग आराम से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमें सोचना है, क्या सोचना है कि जो हमारा नंबर है वो हमें कन्वर्ट किसको किस में करना है। हम लोग बस इसीलिए कन्फ्यूज़ रहते हैं किसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको उस डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को रिप्रेजेंट करने और नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलेंगे ऑक्टल से डेसिमल की तरफ, आइए देखते हैं।